डियर स्टूडेंट्स, इस भी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर एकेडमिक सेशन 2021-22 मंथ दिसंबर असाइनमेंट 5 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वे भी जो है अपने सही तरीके से आंसर लिख सके। ये जो है दिसंबर मंथ के लिए असाइनमेंट 5 है। सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में। इसके पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर इसमें अपलोड कर रखा है। छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्जामिनेशन किस प्रकार से होंगे इसका टाइम टेबल जो है जारी हो चुका है। मैंने अपने चैनल पर इसको अपलोड कर दिया है टाइम टेबल को। अब टाइम टेबल तो आप सभी को मिल चुका होगा, लेकिन ये परीक्षाएँ किस प्रकार होंगी उसका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको अवश्य देखिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन वन है, इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑल द एप्लीकेशन इन द हाउस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल वाय। आंसर, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन द हाउस द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। द मेन एडवांटेज ऑफ सच वायरिंग इज दैट इफ ए स्विच इन ऑन सर्किट इज क्लोज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सर्किट्स ऑफ द अदर डिवाइसेज। सो इट प्रोवाइड द सेम वोल्टेज टू ऑल द डिवाइस कनेक्टेड इन द सर्किट प्रोवाइड्स। द रीजन फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन पैरेलल इज दैट बाई डूइंग दिस ऑल द डिवाइस गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईच डिवाइस कैन बी स्विच ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन वन बी, इन ए हाउस इफ फोर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स ऑफ 4 watt बर्न फॉर 5 hours डेली, 2 bulbs ऑफ 60 watt फॉर 6 hours एंड 3 fans ऑफ 80 watt रन फॉर 6 hours डेली, What would be the cost electricity of months of that home if the rate is 50 paisa per unit? Solution, four electric bulbs of 40 watt burn for 5 hours daily, then cost of electricity for 1 month. ये formula है friends, है ना? इस फॉर्मूला को आपको लिखना है। ये फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मल्टीप्लाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मल्टीप्लाई टाइमिंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 4 × 40 × 5 × 30 है ना, इसको सॉल्व करने पर 24 किलो वाट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, 2 electrical bulb ऑफ 60 watt बर्न 6 hours कॉस्ट ऑफ एनर्जी 2 × 60 × 6 × 30, इसका आंसर आ जाएगा है ना 21+6, इसको सॉल्व करने पर 21.6 किलो वाट आएगा। इसके बाद 3 electrical fans of 80 watt run 6 hours cost of energy 380 × 6 = 31,000, इसका आंसर आ जाएगा 43.2 kilowatt इन 1 month टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी है ना। तो टोटल कर देंगे सभी को 24, 21, 43.2, तो इसका आंसर आ जाएगा 88.8 वैल्यू ऑफ यूनिट। आप एक यूनिट का महीने का जो खर्च है ना वो कितना आता है उसको यहाँ पर लिख देंगे 1.288 50 पैसे का अर्थ क्या होगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 44 रुपीज़ 40 पैसा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन टू की ओर। डिस्क्राइब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट जनरेटर साउंड फॉलोइंग पॉइंट्स, लेबल डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम बना देना है।
ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप बना लेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल, एसी जनरेटर इज मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एसी जनरेटर इनपुट सप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस एंड कंबशन इंजन। द आउटपुट इज अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करेंट। एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेट दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ वोल्टेज इज जनरेटेड इन करेंट कैरिंग कंडक्टर दैट कास्ट कट्स ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस कैन आइदर बी अचीव्ड बाय रोटिंग ए कंडक्टिंग कॉइल इन ए स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड कंटेनिंग द स्टेशनरी कंडक्टर। द प्रिफर्ड अरेंजमेंट इज टू कीप द कॉइल स्टेशनरी बिकॉज इट इज इजियर टू ड्रा इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करेंट फ्रॉम ए स्टेशनरी आर्मेचर कॉइल देन ए रोटेटिंग कॉइल। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। फर्स्ट है जिब्रेलिन, सेकेंड है साइटोकिनिन, थर्ड है थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन फोर्थ। तो आंसर फर्स्ट है जिब्रेलिन। एसिड इन रूट एंड स्टेम ग्रोथ फर्स्ट, सेकेंड है हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, दूसरा है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन के वर्क है इंड्यूस्ड सेल फंक्शन, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स लीव्स एंड फ्रूट्स। थर्ड है थायरॉक्सिन, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इट्स डिफिशियंसी कॉसेस गॉटर डिसीज। फोर्थ है टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स एंड मेल्स। क्वेश्चन 4 में दो क्वेश्चन है, व्हाट इज जायगोट एंड सेकेंड है ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ए जायगोट इज ए यूकैरियोटिक सेल फाउंड बाय फर्टिलाइजेशन इवेंट बिटवीन टू जैमेट्स। द जायगोट्स जीनोम इज ए कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए इन इच गैमेट एंड कंटेंस ऑल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द जायगोट इज द अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज। सेकेंड है ड्रा ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको बना लेना है, आपके बुक्स वगैरह में भी दिए हुए हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बुक्स भी चाहे तो बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, इसमें भी दो क्वेश्चन है। इज द प्लेसेंटा एसेंशियल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द यूटेरस एंड सेकेंड है हाउ मैनी क्रोमोसोम इज मैन सेल्स। तो फर्स्ट आंसर देखिए, प्लेसेंटा द टिश्यू दैट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द फीमेल एंड द फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज ऑब्लिगेटरी बिकॉज ऑफ दिस इन द मदर्स बॉडी ब्लड एंड फूड आर डिलीवर्ड टू द फेटस ओनली थ्रू द प्लेसेंटा। द एक्सट्रैक्टरी द मटेरियल एक्सट्रैक्ट बाई द फेटस सीटीसी कम्स आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द प्लेसेंटा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रोमोसोम इन मैन सेल। 23 क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रकार आपके साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।